मौजूद अध्यक्ष जी और हमारे भारतीय किसान संगठन के ठाकुर पूरन सिंह जी और तमाम इन तीनों लोकसभाओं से जो सहारनपुर मंडल में पड़ती हैं, इसमें चलकर आए तमाम भाई, सभी जिम्मेदार, सभी नौजवान बुजुर्गवार मेरे भाई सभी मौजूद हैं, सभी का धन्यवाद। बात जो चल रही है पंचायत की, इस बात को लेकर हो रही है कि 7 तारीख में जो नड़ोत्तम में पंचायत होगी उसकी क्या रूपरेखा होगी, वहाँ पर किस तरीके से हम लोगों को जाना है, क्या हमारा उद्देश्य है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो 7 तारीख की पंचायत है वो खाली राजनीतिक पंचायत नहीं है, उस पंचायत में समाज की दिशा और दशा दोनों निर्धारित होंगी। वहाँ खाली एक ही बात पर विचार नहीं चलने का, अगर राजनीति पर ही होगा उस पर वो भी विचार होगा कि हमें राजनीति से दूर क्यों करा जा रहा, हमें इतिहास से दूर क्यों करा जा रहा, हमें शिक्षा से दूर क्यों करा जा रहा। ये 3-4 चीज़ ऐसी हैं, ये 3-4 चीज़ तुम खत्म कर दो, आने वाली नस्ल ये भूल जाएगी कि हम कौन थे। इतिहास हमें ना पढ़ाया जाए, हमें क्या पता महाराणा प्रताप कौन थे। फिर अगर हमारी नस्लें नहीं पढ़ने की, जब भी तो हमारे जोश है कि भाई मैं थे, हमारे बड़ों ने ऐसे काम करे, इसीलिए इतिहास बनाया जा। राजनीति में शून्य कर दो, हमारा जिला शून्य रहा राजनीति में हमेशा। मेरे ख्याल से ठाकुर नकली सिंह जी के बाद में मामला खत्म है बिल्कुल, बस इधर उधर से काम खींच रहे। जो मेरे जैसे भाई हैं, मेरे तो ऊपर हैं जो नीचे हैं, हमें बता भाई कहीं ना कहीं पांच तोड़ रहे, काम ला रहे, और क्या करे, काम तो चलाना पड़ेगा। सही, शिक्षा में वहाँ आरक्षण फिट कर रखा, वहाँ किसी की जरूरत नहीं पड़ती, नंबर 90% आ जाओ, अगले के 60 पर काम हो रहा, तो वहाँ भी दूर हो। अफसर साहब में नहीं जानेंगे, नौकरी पैसा में नहीं जानेंगे, तो कौन बताओगे अग्गा वाला कहाँ जाएंगे, किस के लिए करोगे। तो कई चीज़ ऐसी हैं जो समाज के लिए बहुत दुखदाई है। कोई IAS PCS हमारे हाथ नहीं निकट रहा, 10-5 नेता, 1-2 नेता हैं। पहली बात तो औरों को तो हम कह रहे हैं इलाज करने में, हम भी कसर नहीं छोड़ रहे नेताओं का, अपने बराबर की सीट पर लड़ रहे थे। सबसे ज़्यादा गाड़ी हमारा समाज दे रहा था, सब तक अपने टूट टूटा, कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा। मेरे ख्याल से 3-4 हज़ार करोड़ रुपये लगाए होंगे थाना भवन विधानसभा में उस आदमी ने, और हराने के बाद फिर याद आ रहा कहला जी वो बना दिया और वो बना दिया। भाई बनान कौन आया था, हजम हम भी तो नहीं कर रहे, हजम हम नहीं करते भाई। दूसरे पर बाद में रखो, गड़ा साहब मैं खूब करूँगा, यहाँ से रुक के ताड़ लूँगा, लेकिन इस पंचायत के बाद कोई स्थिति नहीं। ठाकुर पूरन सिंह पिछले 10 साल तक लग रहे, ये तो 2-1 साल तो और खड़ा साहब चमक रहा। हाँ भाई मामला मजबूत होगा, सहारनपुर की तरफ तो हिम्मत होगी, यानी नहीं कहना रहा तो नहीं कर लेगा, संगठन बन जा, खत्म हो जा। लेकिन मैं धन्यवाद दूँ कि उन्होंने पता नहीं कितनी बार अपमानजनक शब्द भी सहे, लेकिन हमेशा चुप रहे, आगे बढ़ते रहे, और आज समाज एक ऐसा खुंटा में मिल गया जिसके साथ हम रह कर तिंगट सकें, बैठ सकें, इसके लिए धन्यवाद इनका। मेरे भाइयों देखो, मैं भी राजनीति कर रहा, आप लोगों के सहयोग तो कर रहा जिला पंचायत, लेकिन मुझे पता जब फ़ोन कर दिया ना अगला, अगर वो काम करवा दे तो इनके तिंगे दिमाग घूम, मैं कहाँ तक करेगा भाई, दूसरे का जाकर बैठना पड़े, वहाँ तक ले काम है। यह इनका सारा बहुत बड़ा मैं अध्यक्ष जी का संगठन बन गया, कई काम ऐसे हैं कि पहले अगर 50 वहाँ से ले रहे थे तो अब 2 ही कहें उन्हें, जो हमारे कब्जे तो बाहर हो जा, नहीं तो यहीं से हो रहे विकास काम, वो बजा उनके दूर। तो मैं कहना चाह रहा हूँ, यहाँ सभी बुद्धिजीवी लोग हैं, सोते को जगाने का काम तो सब करेंगे, लेकिन तुम सब जाग गए हो, अगर तभी नहीं उठना चाह रहे तो हम कह नहीं सकते। सब अपने घर के जिम्मेदार है, जो यहाँ तक आया कोई वैसा तो आया नहीं, जिसे नु पता तो पिपलेड़ा पंचायत में जाना। तो यह बात यही कहने की भाई, उसने कहा जब भी आगे बढ़ूंगा, यो तो मैं अपने अंदर तक कहूँ ना कि 7 अप्रैल में हम चलेंगे वहाँ से, हम ले आऊँगे साधन। पूरन सिंह जी का ज़्यादा हाथ पैर हैं, तभी तो उनके हाथ पैर आँख नाक हम भी तो हैं, सब घर बैठ जाएंगे अगर नहीं साथ देने के। 7 अप्रैल में जितने भी अंगे लगा सकें, मैं कह रहा यही पंचायत तय कर देगी सब कुछ, सब मामला फिट हो जाएगा। वहीं तक टिकट जिसे देने देने दो, किसका होगा नहीं होगा, वोट तो हमारे हाथ में है, जिसा कहेंगे घेर देंगे, नहीं कहेंगे नहीं घेरने के, जरूरी नहीं किसी को बनाना हमारे हाथ में। तो मैं यही बात कहना चाह रहा, सब भाई जोश अच्छी चीज़ है, लेकिन सब सही दिशा में लगाओ, इसके साथ साथ राजनीति के साथ और जगह भी हम पिछड़े से भी आगे बढ़ाने काम करो। जो समाज के खिलाफ जागा सब तक खिलाफ है, बस रिश्तेदारी तो रिश्तेदारी समाज में हो, जो दोहरों के साथ तुम्हारी होने की नहीं, ना उनकी हम करने के, उसका हुक्का पानी सब। तो सीधी सी बात है कि कोई ऐसा नहीं है जो समाज से बाहर जाएगा, मैं तो मानता नहीं, हर तरीके से समाज के साथ रहेंगे। जहाँ समाज कहेगा ठाकुर साहब कहेंगे, वहीं सब साथ रहेंगे। और इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कि आप लोगों ने शुरुआत करी, इस तरह इकट्ठा होगा, एक परिचय भी हो रहा, लोग बाग मिल भी रहे, अन्य मारते बड़ों को यहाँ पर परिचय एक दूसरे का, हम तो पूछते रहे भाई तू कहाँ का, बराबर वाले का नहीं पता लगता, कादरगढ़ का कौन सा भाई आया, इस तरह कम से कम जानकारी भी बढ़ रही। यही हमारे बीच में कमजोरी रही कि हमने अपने लोगों को नहीं पूछा, हमने अपने महापुरुषों को बीच में छोड़ दिया, 1-2 महापुरुष को पूछते रहे, और लोग थाने पर तैयार हो रहे, अरे जो भी है अपने को लगाओ रखो, उनको मारा है। अभी बात है, एक भाई 2 प्रधानमंत्री हुए, किन्ने नहीं लगाए भाई मूर्ति, जब लोग अपने वाले की लगा रहे थे, मैं तो ना बढ़िया कहूँ कि मैं एक्टिव है हमारे थे,
मारदर एक्टिव तो ये भी हो रहे हैं, जो ऐसी समाज के लोग हैं ये भी अपने लोगों को बढ़ावा दे रहे थे, कोई गलत थोड़े ही, जब तो उनकी चर्चा हो रही है यहाँ से। प्रधानमंत्री रवि सिंह किन्ने लगा दी भाई मूर्ति, हम नहीं लगा सकते, चंद्रशेखर की किन्ने लगा दी मूर्ति यहाँ से। आज नाम भाई भारत रत्न मिल गया चरण सिंह के नाम पर अगर हुए हैं, या टिके साहब के किसी के नाम पर भी है, मनु कह रहा आगे इतिहास में तो पढ़ा जाएगा, चरण सिंह मार्ग, चरण सिंह स्टेडियम, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, तुम्हें लोग ठीक है अपने समाज को बढ़ा रहे, घटाना काम हम लोगों ने करा। अगर हम लोग मजबूत रहते और ईमानदारी से अपना काम उस टाइम भी करते तो हमारे लोग निश्चय नहीं जहाँ तक आज हमें बैठना नहीं पड़ा था। एक ही झटके में आ गया आँख खुल गई सबकी कि भाई गड़बड़ी हो रही। एक सोशल मीडिया चला रखी मोबाइल पर जिसका कुछ नहीं, कोई होना मसला बस दो लाइन लिख कर गेर दे, पूरण सिंह क्या है, राहुल क्या है, प्रताप क्या है, बस छुट्टी मंडे रहे हैं फिर सारी रात उस पर, कहना तेरा इलाज कर देंगे साढ़े, तू आ जा, कहना लो अब यो कर दिया एडमिन वैसा कर दिया भाई खत्म। अरे कोई बात है क्या, कहे के लो लड़ रहे बकवास भाजी चौधरी वहाँ से बैठ कर और मुदल गड़ी उल्टी सीधी, इससे कुछ हो रहा है जोश? अरे जोश दिखाना 7 तारीख में दिखा दो, चल मैं बताऊँगा कितने जोश है। चल भाई सोशल मीडिया से ही चली। नहीं नहीं भाई समझे नहीं आप, मैं गलत बात को कह रहा, हर चीज़ में अच्छाई भी बुराई भी, दारू अच्छी चीज़ भी है कम पी लो, दारू पीना में अच्छी भी है कम पियोगे, ज़्यादा पियोगे तो गाड़ी देते फिर अगर गाड़ी खाओगे, मेरा मतलब ये है आपस में तो ना टकराओ, हम लोग कह रहे हैं दूसरा कुछ गलत कर रहा है जवाब दो, लेकिन हम आपस में भी टकराए, मैं कहना नहीं चाहता किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, वो गलत है, तो इसलिए कह रहा भाई 7 तारीख में करो कंपटीशन जैसा कंडा, जिसमें जितने जानो जिसका हाथ आना चाहते हो हम चलेंगे लेके भाई, भाई 50-50 गाड़ी काट दो, ट्रैक्टर काट दो, बसें काट दो, लगा भाई कितने जोड़ लगाओ सब चलेंगे। मैं इसलिए कह रहा ज़्यादा बात ना कह के, 7 तारीख बहुत अहम दिन है आपकी दिशा और दशा के लिए, आपकी राजनीति के लिए, आपके बच्चे के भविष्य के लिए, सब कुछ तय उसी दिन होगा, उस दिन नींव रख दी मजबूत तो बिल्डिंग बनेगी मजबूत, अन्य भैया फिर तो हमने जैसा गुजारा कर रहे ठीक गुजारा करो, जाइयो जय महाराणा जय।